पास के जो अपने दादे ताऊ हैं वह इसमें ताश खेलने लग रहे हैं, बैठे हैं मुड्डिया पे। 80-90 साल हो गए। हाँ, हो गए। अच्छा। आराम तो हो गए इतने तो। छोटी टांगे। आज हम भाई गांव बास जिला हिसार में, और आप लोगों को एक बड़ी चौपाल दिखाऊंगा भाई। पुरानी चौपाल है जो बास की सबसे बड़ी चौपाल है। देखो भैया मेरे पीछे देख रहे होगे आप लोग, तो इसमें दिखाऊंगे आप लोगों ने जो चारों तरफ है। देखो भाई इसके ये चारों तरफ है जो ग्रिल लग रही है, ये इसका मेन गेट है। और यह ऊंची बनाए रखी है जो इस एरिया था, आसपास के एरिया था, 4 से 5 फुट ऊंची है। और आसपास के जो अपने दादे ताऊ हैं वह इसमें ताश खेलने लग रहे हैं, बैठे हैं मुड्डियाँ पर। तो देखो और अंदर इसका जाओ तो गेट है, देखो भाई लोहे का गेट लगा रखा है। और इसके अंदर देखो भाई 4 से 5 हैं जो तकत हैं पूरा, अगर कोई आराम करना चाहो या फिर बैठना चाहो, जो पूरी की पूरी परस है पिलरा पे है चारों तरफ। आप लोग देखो भाई पिलर हैं, 2 मंजिली है या ऊपर जाकर इसका है। देखो भाई ऊपर है जो 2 मंजिली पर लेंटर लग रहा है, बिल्कुल अच्छी सुविधा है इसमें, लाइट की भी सुविधा है, पंखे लगा रखे हैं। आसपास कोई भी प्रोग्राम हो, ब्याह शादी का तो उरे है जो मतलब ठहराव का काम उरे कराया जावे है। और ऊपर दिखाऊंगा आप लोगों ने, देखिए ये इसकी पैड़ी है, पत्थर की पैड़ी है, यह जो पूरी की पूरी परस है छोटी ईंटा तो बनी हुई है। देखो भाई, और ये देखो भाई इसके चारों तरफ गैलरी है, और इसके चारों तरफ गैलरी, ये छोटी छोटी खिड़कियां हैं इसके दोनों साइड में। और जो दूसरी मंजिल पे भी जाना चाहोगे, और दूसरी मंजिल पे एक भारत माता की मूर्ति लग रही है इसके ऊपर शायद ही, या पूरे भारत में मतलब हरियाणा की पहली परस हुई सी जो भारत माता की मूर्ति लग रही है इसके ऊपर। यू इसका पूरा टॉप का ऊपर है भाई जमा, सब तो ऊपर आसपास का एरिया था या सब तो ऊंची है। और देखो वो ऊपर चढ़ने खातर भी यहाँ लग रहे हैं इसके ऊपर पत्थर, और ये मूर्ति लग रही है इसके ऊपर भारत माता की मूर्ति। देखो भाई इसका हाथ में तिरंगा है, और दोनों साइड है जो हिंदी में लिख रखा है भारत माता, या हरियाणा की क्या भाई पूरे भारत की पहली परस होगी जिसके ऊपर ऐसी मूर्ति लगा रखी है, भारत माता की मूर्ति लगा रखी है जिसके ऊपर। तो देखो भाई बहुत ही बढ़िया रंग भी करके है, कलर करके है इसके दोनों साइड, देखो पेंट करके है। तब यह जो बास गांव में परस है, कितनी पुरानी परस है यह? हो गए कम से कम भी 80-90 साल हो गए। हाँ, हो गए। अच्छा। आराम तो हो गए इतने तो। छोटी टांग है क्या? बड़ी टांग है। छोटी टांग ईट तो पसंद आई है। हाँ, वो बढ़िया है यार। पंजोगी से बठा लाग दे वो है। अच्छा, बठाई कई साल में बनी होगी आज अगर बना देने। ये कम से कम भी 7 भर हो गया। साल भर में बनी, एक साल में। अच्छा। हाँ, इसमें बात गई रखी है। अच्छा, बात गई थी आज जब दी है ये बढ़ाई थी। या एक बगड़ की है किस आप? एक बगड़ की, एक इस पन्ने की। कौन सा पन्ना किया? ये आदिल सापुर। आदिल सापुर, आदिल आदिल सापुर। अच्छा, एक पन्ने की, एक पन्ने की। या वो घड़ी है पर तो हबर काम में देखो है। हाँ, ये एक काम की है, एक पाने की, ये ले, एक बोलने की, एक बोलने की। और तो बर्तन कुकर हैं जो कोई से कोई ब्याह शादी का प्रोग्राम हो, कुकर ना सारे सब बर्तन हैं। अच्छा, आसपास के हैं। आसपास के सब बर्तन हैं। आड़े बर्तन बर्तन हैं आड़े सब। शाम ने बुहारी कटवाएंगे, बुहारी पानी मरवा के साफ कर, साफ सफाई करके ने, और फिर बरात बैठेगी इसमें। अच्छा, यहाँ से फिर डुका बजाओगी। हाँ, वो तो अपने घर पे आके चले जाओ। शुरू में यहाँ आओगी मतलब बस गांव में या ही बढ़िया अच्छा होगी, तो और भी है कोई ना? और भी है, पुरानी या है, पुरानी या है, और तोड़ फोड़ की बना दी। अच्छा, और तोड़ फोड़ की हटके बना दी, पुरानी या रह रही, पुरानी या है। ठीक है।